हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद कैटालिसिस पार्ट टू। हमने जो कैटालिसिस का टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में, कैटालिसिस का जो टॉपिक पढ़ा था, आज हम प्रोसीड करेंगे। आज हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते। थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस, देखिए इसमें सबसे पहली थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी नाम बहुत बड़ा है, बट है कुछ भी नहीं। नाम देख के घबराइएगा मत, कुछ भी नहीं है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी बहुत सिंपल थ्योरी है। इस थ्योरी में होमोजीनियस कैटालिसिस मेनली एक्सप्लेन होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैटालिसिस जो है वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट देता है और कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ओरिजिनल फॉर्म में रीजेनरेट हो जाता है। तो बहुत सिंपल थ्योरी है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट आया, वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, उसने इंटरमीडिएट कंपाउंड दिया, वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया एंड फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, साथ में कैटलिस्ट रीजेनरेट हो गया अपने ओरिजिनल फॉर्म में। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं समझाती हूँ आपको। जैसे सपोज करो यहाँ पे NO जो है वो कैटलिस्ट है और वो O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे NO2 बन रहा है, 2NO2। 2NO2 यहाँ पे इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, ठीक है, 2NO2 यहाँ पे इंटरमीडिएट है। अब वापस से NO2 जो कि एक इंटरमीडिएट है वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा। देखिए ये इंटरमीडिएट है और ये जो है ये दूसरा रिएक्टेंट है, सो टू इज अनदर रिएक्टेंट, इसके साथ कंबाइन करेगा और देगा फाइनल प्रोडक्ट्स SO3 साथ में NO विच वॉज कैटलिस्ट। ये देखिए यहां से हमने कैटलिस्ट की शुरुआत की थी और इधर कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। तो बेसिकली द थ्योरी इज वेरी वेरी सिंपल। कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और इंटरमीडिएट देता है, इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट देता है और कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो थ्योरी इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारी आ रही है सेकेंड थ्योरी, जो है वो है एडजॉर्प्शन थ्योरी। अगेन इट इज अ वेरी सिंपल थ्योरी एंड फिर भी मैं वापस बोलूंगी कि बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता है। जो हमको इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेट करना है वो एड्सॉर्प्शन एंड कोलोइड्स पे करना है। कैटालिसिस में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी है, बता दूंगी मैं आपको कौन कौन से आते हैं मेनली इम्पॉर्टेंट। तो ये है अपने एड्सॉर्प्शन थ्योरी में क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्टेप्स में मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ये देखिए ये मैंने क्या बनाया है, ये कोई गेम नहीं है, ये बेसिकली एड्सॉर्प्शन साइड्स बना रही हूँ एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये फ्री वैलेंसीज हैं, इसको हम बोलेंगे फ्री वैलेंसीज ऑन कैटलिस्ट सरफेस। कैटलिस्ट सरफेस पे ये फ्री वैलेंसीज हैं। अब क्या होता है, रिएक्टेंट्स आते हैं यहाँ पे। हम मान के चलते हैं कि चलिए रिएक्टेंट्स जो है, एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, यहां रिएक्टेंट्स आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से, बहुत ही सिंपल थ्योरी। ये देखिए ये अपने फ्री वैलेंसीज हो गई और फ्री वैलेंसीज से जुड़ गए, एक रिएक्टेंट यहां जुड़ गया, एक रिएक्टेंट यहां जुड़ गया। ये कैटलिस्ट के सरफेस पे फ्री वैलेंसीज है और ये दोनों रिएक्टेंट्स जो है वो इधर जुड़ गए हैं। अब इनके अंदर जो है वो रिएक्शन होगा ए और बी में, क्योंकि वो सरफेस से बंध गए हैं तो इनके बीच में रिएक्शन होगा। तो इट कैन बी कॉल्ड एज अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज एट द सरफेस। तो यहाँ देखिए वापस से मैं फ्री वैलेंसीज बना रही हूँ, कैटलिस्ट वापस से बना रही हूँ, ये आपस में ए और बी यहाँ जुड़ जाएंगे। थर्ड स्टेप में ए और बी आपस में जुड़ जाएंगे एंड देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होने वाला है, फोर्थ स्टेप में वापस से डिजॉर्प्शन हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में ए और बी निकल जाएंगे, ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट आ गया आपका, फाइनल प्रोडक्ट, और ये कैटलिस्ट एज इट इज रीजनरेट हो गया। तो कैटलिस्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कोई भी थ्योरी जो हम कैटलिस्ट की पढ़ रहे हैं तो उसमें कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रीजनरेट हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी, पिछली थ्योरी में भी हमने ये पढ़ा था कि कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रीजनरेट हो जाता है और इस थ्योरी में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रीजनरेट हो जाता है।
एडवांटेज ये है कि अगर इस पर्टिकुलर थ्योरी के एडवांटेज पूछें तो अगेन ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि वाई कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड एंड मास इन मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. एंड सिंस द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड दस इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज क्वाइट इफेक्टिव फॉर एंटायर प्रोसेस. तो ये इसकी एडवांटेज है कि बार बार रीजनरेट होने के कारण हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इतना थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो है वो काफ़ी कैसे है एंटायर प्रोसेस के लिए. एंड क्यों कैटलिस्ट, किस तरीके से कैटलिस्ट मास में अनचेंज रहता है और एंड ऑफ में एंड में रिकवर हो जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं कैटलिसिस में इम्पॉर्टेंट फीचर्स. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिसिस. इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिसिस. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिसिस. पहला फीचर है, आप सबने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, एक्टिविटी. एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी कैटलिस्ट की एबिलिटी होती है कि वो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कितना एक्सिलरेट कर पाए, कितना बढ़ा सकता है. भाई कोई कैटलिस्ट कम बढ़ा सकता है और कोई कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को ज़्यादा बढ़ा सकता है. तो यहाँ बात ये चल रही है कि एक्टिविटी का क्या मतलब है. एक्टिविटी का मतलब है कि कोई कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को कितना बढ़ा सकता है, ये उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी में आता है. अब एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ केमीज ऑप्शन पे. अ कैटलिस्ट मस्ट एब्जॉर्ब द रिएक्टेंस फेली स्ट्रांगली, बट इतना भी स्ट्रांगली नहीं कि जो कैटलिस्ट है और उस पर जो सब्सटेंस या रिएक्टेंट जो उस पर चिपक गया है वो इमोबिलाइज हो जाए एंड देर इज नो स्पेस विच इज लेफ्ट फॉर अनदर रिएक्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन. तो अगर हम एड्सॉर्प्शन पे बेस्ड इस थ्योरी को पढ़ते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं कि, क्योंकि हमने अब तक यही पढ़ा है कि मॉडर्न थ्योरीज ये कहती हैं कि सरफेस कैटलिसिस एड्सॉर्प्शन के थ्रू हो रहा है. तो भैया वो इतनी जबरदस्त तरीके से भी एड्सॉर्प्शन साइट से चिपक नहीं जाए कि हटे ही नहीं प्रोडक्ट, कि दूसरा कोई रिएक्टेंट आके कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्ट ही ना कर सके. ध्यान से सुनिए, इतना ज्यादा स्ट्रांगली भी बाइंड ना हो जाए रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पे कि वो रिएक्टेंट छूटे ही ना और अगला रिएक्टेंट आ ही नहीं पाए. तो स्ट्रांग होना चाहिए, बट सिर्फ इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए कि वापस डिसॉर्प्शन भी इजीली हो जाए. तो बहुत सिंपल चीज़ है, एक्टिविटी होती है एक्सेलरेट करना. दूसरी चीज़ है, दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर है सॉलिड कैटलिसिस की सेलेक्टिविटी. नाम से ही आप समझ गए होंगे सेलेक्टिविटी क्या चीज़ है. सेलेक्टिविटी है एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मतलब एक कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में पर्टिकुलर प्रोडक्ट देता है और अगर आपको कोई दूसरा लेना है तो वो कुछ और प्रोडक्ट देता है. मैं इसको एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी. ये देखो, ये मैंने एसिटिलीन या इथाइन मॉलिक्यूल लिया और मैं इसका हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करवा रही हूँ. अब इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इथेन बन जाता है, और इसी को अगर हम लिंडलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बन जाता है इथीन. ठीक है, या इथाइलीन, कॉमन नेम इसका इथाइलीन होता है, इथीन या इथाइलीन बन जाता है. इसको हम सेलेक्टिविटी कहते हैं. सेलेक्टिविटी मतलब एक पर्टिकुलर, देखो रिएक्टेंट्स का सेट तो सेम है ना दोनों कैटलिस्ट के लिए, लेकिन आपने कैटलिस्ट चेंज किया, प्रोडक्ट बदल गया. तो ये सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट है कि कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट सेम रिएक्टेंट्स को कुछ एक प्रोडक्ट दे रहा है और कोई दूसरा कैटलिस्ट इन्हीं रिएक्टेंट्स से कुछ और जनरेट कर रहा है. तो इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. इसका एक और बड़ा वेल नोन सा एग्जांपल है कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं कॉपर की प्रेजेंस में, तब तो बनता है HCHO. ये अपनी 11th क्लास अगर ठीक से पढ़ी होगी ऑर्गेनिक तो आपको याद होगा, ये बहुत वहाँ पे कॉमनली पढ़ी हुई रिएक्शन में से एक है. और यही कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम 2 mol of H2 के साथ में कॉपर, लेकिन एक और चीज ले रहे हैं ZNO एंड Cr2O3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो मीथेनॉल बनता है. और यही कार्बन मोनोऑक्साइड को 3H2 की प्रेजेंस में अगर हम निकल के साथ करवाते हैं तो मीथेन प्लस वाटर बनता है. तो देखिए कैसे कैटलिस्ट चेंज किया, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट अलग अलग है. यानी एक पर्टिकुलर रिएक्शन इज वेरी सिलेक्टिव अबाउट अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट, अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट इज वेरी सिलेक्टिव अबाउट द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं. अब मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक में से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, और लगभग हर 5 सालों में 3 साल में, हर 5 सालों में से
थ्री इयर्स ऐसे होते हैं जब इस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर आता है. टॉपिक है शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस. शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस. अब देखिए शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, इनको हम जियोलाइट्स भी बोलते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है ये. तो इसको हम शुरू करते हैं शेप सेलेक्टिव. इसका नाम शेप सेलेक्टिव क्यों रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इनकी क्या यूटिलिटी है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. इसकी स्पेलिंग जरा करेक्ट कर लें, जियोलाइट्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, अब क्या होते हैं देखिए, कैटालिटिक एक्शन डिपेंड करता है कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर में. इस पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रही हूँ. आपने कोई छाननी, चाय छाननी, कोई इस तरह की चीज़ होती है जिसमें पोर्स होते हैं वो देखी होगी. आप उसको इमेजिन करके इन कैटलिस्ट्स को व्यू या विजुलाइज कर सकते हो. कोई छलनी टाइप की चीज़ है, कोई छाननी टाइप की चीज़ है जिसमें पोर्स हैं, तो उन पोर्स के क्या साइजेस हैं और उनका कैसा स्ट्रक्चर है, इस पे बेस्ड होती है ये वाली कैटालिसिस. तो कैटालिटिक एक्शन डिपेंड करता है पोर के स्ट्रक्चर पे कैटलिस्ट के, एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्टेंट उस कैटलिस्ट के सरफेस पे आके लगने वाला है तो वो फिट आना चाहिए ना उस पोर में. क्योंकि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइज की और शेप की. तो साइज कैसा है, शेप कैसा है, उसमें वो फिट आना चाहिए. तो शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस ये होती है. अब होते क्या है, बाय डेफिनेशन शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, हमने 11th क्लास में पी ब्लॉक में जो कार्बन फैमिली थी उसका हमारा अलग से सेक्शन था कार्बन फैमिली का, वहाँ हमने सिलिकेट्स पढ़े थे. अब इन सिलिकेट्स में से कुछ एल्यूमिनियम को अगर रिप्लेस कर दिया जाए, इन सिलिकेट्स में से कुछ एल्यूमिनियम को अगर रिप्लेस कर दिया जाए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिलिकेट्स में से कुछ एल्यूमिनियम को, कुछ सिलिका को रिप्लेस कर, किससे कर दिया जाए, एल्यूमिनियम से, सिलिकेट्स में फ्यू सिलिकन आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम. कुछ सिलिकन हटा दिए, एल्यूमिनियम लगा दिए, तो उनको हम बोलेंगे एल्यूमिनो सिलिकेट्स. अब एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्या हुए कि सिलिकेट्स में से थोड़े से सिलिकन हटा दिए और उसकी जगह लगा दिए एल्यूमिनो. तो नाम क्या हो गया एल्यूमिनियम के साथ मिलकर के, एल्यूमिनो सिलिकेट्स. इसका बन गया 3D नेटवर्क. इसका हमारा बन गया 3D नेटवर्क. अब ये जो 3D नेटवर्क है जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का बन गया है, इसी फ्रेमवर्क या नेटवर्क को हम बोलते हैं जियोलाइट्स. बहुत सिंपल है, देखिए स्टूडेंट इसको डिफाइन करना है, बहुत सिंपल है. इसका डेफिनेशन क्या हुआ, ये माइक्रो पोरस होते हैं. माइक्रो क्यों, क्योंकि छोटे छोटे पोर्स हैं, इनको हम माइक्रो पोरस डिफाइन करते हैं. माइक्रो पोरस, माइक्रो पोरस क्यों, क्योंकि पोर्स बहुत छोटे होते हैं. तो देखो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, दे आर माइक्रो पोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स विद 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स इन विच फ्यू सिलिकन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स गिविंग AlOSi फ्रेमवर्क. AlOSi फ्रेमवर्क, आई रिपीट डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो बच्चों. दे आर माइक्रोपोरस, माइक्रोपोरस मतलब एक ऐसी छलनी, एक ऐसी सीव जिसमें पोर्स बहुत छोटे छोटे हैं. दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स विद 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स इन विच सम सिलिकन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स गिविंग AlOSi फ्रेमवर्क. सिंपल, कुछ भी नहीं डेफिनेशन में, चार बार सुनो जो मैंने बोला है पीछे कर करके होगी डेफिनेशन याद. और जियोलाइट्स पे तो क्वेश्चन ही यही आता है, एक नंबर का क्वेश्चन मोस्टली आता है जिसमें डेफिनेशन ही ज़्यादातर कवर अप होती है. तो लेकिन उसमें हमें और क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ. रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट्स डिपेंड करती है शेप एंड साइजेस ऑफ रिएक्टेंट्स पे एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पे एज वेल एंड ऑन द पोर्स एंड कैविटीज ऑफ जियोलाइट्स. नेचर में ये मिलते हैं एंड सिंथेसाइज भी किए जाते हैं. ये ऐसे नेचुरली फाउंड भी होते हैं एंड ये सिंथेसाइज भी किए जाते हैं. तो देखिए अगला है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन भी बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन ऑफ जियोलाइट्स. देखिए अगर एक नंबर का शॉर्ट नोट आता है ना जियोलाइट्स पे, तो एक तो डेफिनेशन लिख दीजिए और एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, काम खत्म. अगर ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन आता है जो कि पिछले साल से ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोड्यूस हो गए, MCQs इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो आपको पूरी थ्योरी एटलीस्ट 5 बार ये वीडियो बार बार सुनना पड़ेगा ताकि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है तो उसको हिट कर सके. आने वाले जो मेरे क्विजेज होंगे इस चैप्टर में, उसमें भी आप ये जो वीडियोज हैं सिर्फ इन वीडियोज को बार बार 3-4 बार सुन लो, आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा.
तो एप्लीकेशन ऑफ जियोलाइट्स आर ओ एच जेड एस एम फाइव के साथ जब रिएक्ट करता है, ये जियोलाइट है, तो बनाता है गैसोलिन पेट्रोल होता है। जेड एस एम फाइव के फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं, ये होता है जियोलाइट सीव मतलब चलनी ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। अब ये देखो ना, पोर्स का साइज मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब कुछ पोर जो है उनका साइज 6 भी होता होगा या 2 भी होता होगा या 3 भी होता होगा। तो यहां से हम एक चीज में बड़ा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है कि जो पोर्स हैं, एक चलनी है, एक छाननी है, एक सीव है, इसमें पोर्स हैं, पोर के कुछ साइजेस हैं, कुछ शेप है, तो वो उससे बेसिकली रेलेवेंट होता है कि ये किस तरह से कैटालिसिस करते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स रिलेटिव टू द साइज ऑफ कैविटीज एंड अपर्चर्स इन द जियोलाइट, रिएक्शन प्रोसीड्स इन स्पेसिफिक मैनर। चलिए अगला हमारा टॉपिक आता है एंजाइम कैटालिसिस। कैटालिसिस काफी तरीके की होती है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एंजाइम कैटालिसिस। अब एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं, आपको एक चीज पता होगी, एंजाइम्स आर दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स एंड विच कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी में भी बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं बच्चों, जो कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस को कैटलाइज करती हैं। केमिकली ये जो भी एंजाइम्स होती हैं, ये सब क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। ये याद रखो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बहुत ही डिटेल में डिस्कस होगा बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर में, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से भी समझ में आने वाला है। बट अभी के लिए आप याद रखें कि जो सारी एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, जिनके मोलर मासेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लाइक वो 15,000 से वेरी करते हैं 1,00,000 तक ग्राम पर मोल, काफी ज्यादा होते हैं, और भी रेंज ज्यादा इसकी हो सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंजाइम्स, इनके एंजाइम कैटालिसिस के एग्जांपल्स पे, और इनके नाम भी किस तरह के होते हैं। देखो बच्चों, नोट्स में जो आपको नोट्स का पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो मैंशनड हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रही हूँ। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जो चीनी होती है हम खाते हैं, C12H22O11, इसका वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम जो होती है वो इसको ग्लूकोज C6H12O6 एंड फ्रक्टोज C6H12O6 में तोड़ देता है। ये एंजाइम कौन सी है, इन्वर्टेज है। एक और एग्जांपल है, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 उसको जाइमेज इथाइल अल्कोहल में तोड़ देता है C2H5OH में एंड CO2 में। ऐसे ही बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे माल्टेज जो होता है C12H22O11, उसमें भी अगर हम पानी डालें तो माल्टेज एंजाइम, माल्टोज ये है कार्बोहाइड्रेट, जिसको माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में तोड़ देती है C6H12O6। तो बहुत सिंपल है, इसमें एग्जांपल्स एक बार पढ़ सारे लीजिए, याद एक दो कर लीजिए, उससे भी अपन का काम चल जाएगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, जो मिल्क होता है ना, मिल्क वो कर्ड में बदलता है, दही जमाते हैं घर के अंदर सबको पता है, मिल्क भी कर्ड में एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू ही बदलता है, उसमें लैक्टोबैसिलाई एंजाइम होती है, लैक्टोबैसिलाई। तो जो मेरे नोट्स का आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेंशनड होंगे, तो वो एग्जांपल्स आप वहां से अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स का ही जिक्र किया है, सारे बाकी के एग्जांपल्स मेरे नोट्स में मेंशनड होंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, सबसे पहली जो हम हर एक कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, हाई स्पेसिफिसिटी। आपने पढ़ा ही था कैटलिस्ट का स्पेसिफिक नेचर, तो एंजाइम्स भी काफी स्पेसिफिक होती है। एक पर्टिकुलर एंजाइम या कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। अगर एंजाइम यूरियेज जो है वो कैटलाइज करती है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया का, तो वो सिर्फ वही करेगी, वो हाइड्रोलिसिस ऑफ कोई और अमाइड जो है उसको नहीं करेगी कैटलाइज, यानी
एक स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम कैटालिसिस की। अगली कैरेक्टरिस्टिक हमारी आती है हाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है एंजाइम्स की। हाई एफिशिएंसी एंजाइम्स जो होती हैं वो बहुत एफिशिएंट कैटलिस्ट्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल एंजाइम का 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स तक को 1 मिनट के अंदर अंदर प्रोडक्ट्स में बदल देता है। तीसरी हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है एंजाइम कैटलिसिस की, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि 298 से 310 केल्विन तक होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो भी एंजाइम्स जो हैं वो नहीं एक्टिव हो पाती हैं, वो मेटाबोलाइज हो जाके यानी डिजेनरेट हो जाती हैं बेसिकली, या डीनेचर्ड हो जाती हैं। प्रेशर भी ऑप्टिमम होना चाहिए, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम प्रेशर या ऑप्टिमम। एक और चीज़ है, ऑप्टिमम पीएच का भी ध्यान रखना है, 5 to 7 ही पीएच के अंदर एंजाइम्स जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं। दूसरा है कि एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स आपने पढ़े हैं। एक्टिवेटर्स का मैंने आपको बताया था, कोएंजाइम मैंने आपको नहीं बताया था। एक्टिवेटर्स जनरली वो मेटल आयंस होते हैं जैसे सोडियम Na+, Mn2+, Cobalt2+, Copper2+ एक्सेट्रा। ये एक्टिवेटर्स हैं, ये मेटल आयंस वीकली बॉन्डेड होते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल्स के लिए, और ये कैटालिटिक एक्टिविटी जैसे कि एमाइलेज को सोडियम की प्रेजेंस में अगर हम करवाएं तो कैटालिटिकली एमाइलेज बहुत एक्टिवेट हो जाता है या एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिवेटर्स वो मेटल आयंस होते हैं जो अगर एंजाइम के साथ मिलकर काम करें तो एंजाइम एक्टिविटी काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है, ठीक है। और कोएंजाइम्स जो होती हैं, एक्चुअली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन अ स्मॉल नॉन प्रोटीन विटामिन जिसको हम कोएंजाइम बोलते हैं इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद एंजाइम तो कैटालिटिक एक्टिविटी कंसिडरेबली इन्हांस हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, एंजाइम कैटालिसिस की। एंड एक आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है कि एंजाइम्स आर इनहिबिटेड और पॉइजन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस जिनको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स या फिर पॉइजन्स। नाम ही पॉइजन, नाम देखो ना, इनहिबिटर यानी इनहिबिट करता है और पॉइजन्स यानी कि पॉइजनस होते हैं। तो ऑब्वियसली इनका रोल क्या होगा, इनका रोल होगा ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट या पॉइजन करेंगे यानी डिक्रीज कर सकते हैं या सबसाइड कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। एंड लास्टली हमारा आता है मैकेनिज्म। लॉक इन की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जैसे ताला चाबी, एक जो ताला है वो अपनी ही चाबी से खुलता है, ये एंजाइम जो है चाबी है। और ये जो सबस्ट्रेट है, ये देखो इसमें मैं इस तरीके के ही ये डिप्रेशंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं मैं बना पाई हूँ कि नहीं, बना तो नहीं पाई हूँ, बट आप समझ जाइए कि ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। ये सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट। और किस तरीके से एक एंजाइम सबस्ट्रेट पे बाइंड होती है, बाइंड कर देंगे हम, देखो ये सबस्ट्रेट से बाइंड हो गया है। ये ताला चाबी मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, लॉक इन की थ्योरी भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होगा, देखो ये एंजाइम तो वापस रीजनरेट हो जाएगी क्योंकि ये कैटलिस्ट है, तो रीजनरेट होना इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये आपके प्रोडक्ट्स बन गए। तो बड़ी सिंपल थ्योरी है, मैकेनिज्म पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ये थ्रू ये हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। और हम मैकेनिज्म किसके थ्रू पढ़ रहे हैं, लॉक इन की थ्योरी में पढ़ रहे हैं। स्टेप क्या है, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड देन द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो बेसिकली दिस वॉज ऑल अबाउट कैटालिसिस। मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, अभी पीडीएफ में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने पीडीएफ में मेंशन किए हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चे जो किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दे रखी हैं और किन कैटलिस्ट से वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं वो फास्ट हो जाती हैं, वो कैटलिस्ट मैंने एक टेबल फॉर्म में पीडीएफ के अंदर मेंशन किए हुए हैं।
इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड देयर कैटलिस्ट्स। तो ये आपको टेबल को एक बार पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि पैटर्न बोर्ड्स का थोड़ा बदल गया है, एमसीक्यूज में हो सकता है आपको इस टेबल की जरूरत पड़े। तो जस्ट गो थ्रू दिस टेबल वंस और ट्वाइस सो दैट आप ये लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कैटलिसिस। इन आर नेक्स्ट सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड सेक्शन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द चैप्टर विच इज कोलॉइड्स। याद रहे कोलॉइड्स बहुत अच्छे से हमको पढ़ने हैं, क्योंकि मेजर जो कवरेज होता है क्वेश्चन पेपर का, जितना भी सर्फेस केमिस्ट्री में से आता है, वो कोलॉइड्स में से आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट सेशन में कोलॉइड्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।